हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेज. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर इंग्लिश रीडर बुक 9 चैप्टर द स्टोन ग्रेट स्टोन फेस पार्ट फर्स्ट. लेट्स सी पेज नंबर 122. शुड बियर एन ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट. अरे माँ, अर्नेस्ट चिल्लाया क्लैपिंग हिज हैंड्स. अवो हिज हेड, अपने सिर के ऊपर ताली बजाते हुए. आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस व्यक्ति को देखने के लिए तब तक जीवित रहूँगा. हिज मदर वाज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन, उसकी माँ एक अफेक्शनेट सहानुभूति रखने वाली और विचारशील महिला थी. इट वाज प्रॉपर, यह उचित था. सी थॉट, उसने सोचा. नॉट टू डिस्क्रेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, अपने छोटे बच्चे की आशावादी उम्मीदों को निरुत्साहित नहीं करते हुए उसने कहा कि यह उचित था. सो सी सेड टू हिम, इसलिए उसने उससे कहा, जो उसकी माँ थी उसने अर्नेस्ट से कहा, परहैप्स यू मे, शायद तुम देख पाओगे. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी, और अर्नेस्ट कभी भी इस कहानी को नहीं भूला. दैट ही हिज मदर टोल्ड हिम, जो उसकी माँ ने उसे बताई थी. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, यह स्टोरी जो बताई थी उसकी माँ ने वह हमेशा उसके मस्तिष्क में रही. वैन एवर, जब कभी. ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब कभी भी वह महान उस वज्रमुख की तरफ देखता. ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज, लॉग मीन्स होता है लकड़ी का. उसने अपना बचपन एक लकड़ी की बनी हुई कुटिया में व्यतीत किया. वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ था. वॉज ड्यूटिफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन हर मैनी थिंग्स, और अर्नेस्ट जो था वह अपनी माँ के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था और उसकी अनेक कार्यों में सहायता करता था. असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, अपने छोटे हाथों से. एंड मोर विद हिज लविंग हर्ट, और अपने प्रेमपूर्ण दिल से. इन दिस मैटर, इस मामले में. फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड, वह प्रसन्नचित और विचार मन वाला चाइल्ड बच्चे के रूप में ही ग्रू अप टू बी ए मिल्ड. एंड अब वह एक विनम्र और शांति प्रिय युवा के रूप में बड़ा हुआ. अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई भी अध्यापक नहीं, शिक्षक नहीं था. बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम, लेकिन जो महान वज्रमुखता वह उसका गुरु बन गया. वेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर, जब दिन का कार्य समाप्त हो जाता था. ही वुड गेज एट इट फॉर हावर्स, तो वह उसे कई घंटों तक निहारता रहता. अंटिल ही बिगेन टू इमेजिन, दैट दोज वास्ट फीचर्स रिकॉग्नाइज्ड हिम, जब तक कि वह उन विशेषताओं के बारे में पहचानना शुरू नहीं कर दे. एंड गेव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस, और उसे एक दयालुता की तथा एनकरेजमेंट मीन्स उत्साह वर्धन की एक मुस्कान नहीं दे दे, तब तक वह उस महान वज्रमुख की तरफ निहारता रहता था. अबाउट दिस टाइम, इस समय. देयर वेंट ए र्यूमर थ्रू आउट द वैली, र्यूमर मीन्स होता है अफवाह है, तो उस समय एक अफवाह फैल गई थी पूरी घाटी में. दैट की द ग्रेट मैन, वह महान व्यक्ति. हु वाज टू बियर ए रिजेम्बल्स टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसका चेहरा इस महान वज्रमुख से समानता रखता है. हेड एपियर्ड एट लास्ट, अंत में आ ही गया है. इट सीम्स, यह प्रतीत होता है. दैट की मैनी ईयर्स बिफोर, कई वर्षों पहले. ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, एक जवान व्यक्ति ने इस घाटी को छोड़ा था. एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंट सी पोर्ट, और एक बंदरगाह पर जाकर बस गया था, जिसका व्यक्ति का नाम था गैदर होल्ड. विच वॉज हिज नेम, जो उसका नाम था. तो गैदर होल्ड नाम का एक व्यक्ति था, वह घाटी को छोड़कर के किसी बंदरगाह पर जाकर बस गया था. हेड सेटअप एज ए शॉपकीपर, उसने अपनी दुकान वहां स्थापित की. बींग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, वह अपने काम धंधे में कुशल था.
हैड बिकम सो वेरी रिच, इसलिए वह इतना अमीर हो गया दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 ईयर्स ओनली टू काउंट इज वेल्थ, कि उसके पास इतनी संपत्ति हो गई कि उसको गिनने में लगभग 100 वर्ष लग जाते। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और उस समय उसने अपने मूल घाटी के बारे में सोचा, एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और वापस उस घाटी में जाने के बारे में विचार किया, ये निर्णय किया, एंड अंत में हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न, उन दिनों जहाँ पर उसका जन्म हुआ था या उस स्थान पर जहाँ उसका जन्म हुआ था वहाँ आने के बारे में सोचा। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टीर्ड बाय द आइडिया, अर्नेस्ट इस विचार से बहुत ही उद्वेलित हो उठा, उद्वेलित मीन्स परेशान हो गया, दैट द ग्रेट मैन, वह महान व्यक्ति, द नोबल मैन, वह सज्जन व्यक्ति, द मैन ऑफ प्रोफेसी, वह भविष्यवाणी का व्यक्ति, आफ्टर सो मैनी एजेज ऑफ डिले, इतने वर्षों बाद में, वॉच एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, अपने मूल घाटी में दिखाई देगा, व्हाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली वन डे, जब भी एक दिन एक वह लड़का उस घाटी को निहार रहा था, एंड इमेजिन और सोच रहा था, दैट कि द ग्रीन स्टोन फेस रिटर्न्ड हिज गेज, कि वह महान वज्रमुख उसकी ओर अपनी निगाह डालेगा, नजर डालेगा, द नॉइज ऑफ व्हील्स, तो उसी समय नॉइज ऑफ व्हील्स वाज हियर्ड, उसे पहियों की आवाज सुनाई दी, एंड ए क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और लोगों की एक भीड़ चिल्ला रही थी, हेयर कम्स द ग्रीन ग्रेट मिस्टर गैदरहोल्ड, यहाँ श्रीमान गैदरहोल्ड आ चुके हैं, एक कैरिज, एक गाड़ी ड्रोन बाई 4 हॉर्सेज, जो 4 घोड़ों से द्वारा लाई गई थी, डेस्ट राउंड द टर्न ऑफ द रोड, सड़क थी उसके मोड़ पर आकर रुकी, विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येल्लो स्किन, और इसकी खिड़की में से एक पीला चेहरे वाला एक व्यक्ति वहां दिखाई दिया, द वेरी इमेज ऑफ द ग्रीन स्टोन फेस, और उसका चेहरा जो महान वज्रमुख के जैसा था, साउटेड द पीपुल, लोग चिल्लाए, श्योर एनफ, ये निश्चित हो है, द ओल्ड प्रोफेसिस ट्रू, कि पुरानी भविष्यवाणी सत्य हो गई है, हेयर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, अंत में हमें एक महान व्यक्ति मिल गया है, एंड और वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, इसने अर्नेस्ट को अचंभित कर दिया, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हेयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, और वे जो सब लोग थे वो ये मानते हुए प्रतीत हुए कि ये वही व्यक्ति था जिसके बारे में सब बातें करते थे, ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड श्रूडनेस ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस, वह उस अनप्लीजेंट असुहावना जो चेहरा था उसकी तरफ मुड़ा झुर्रीदार चेहरे की ओर, एंड गेज्ड अप द वैली, और उसके बाद वह घाटी को निहारने लगा, कौन, अर्नेस्ट, वेयर द स्टोन फेस सीम्ड टू से, जहाँ पर वो महान वज्रमुक्ता हुए अर्नेस्ट से यह कहता हुआ प्रतीत हुआ, ही विल कम, वह आएगा, फियर नॉट, डरो नहीं, अर्नेस्ट द मैन विल कम, वह व्यक्ति आएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक्स।